जी हेलो डॉक्टर साहब। तो बीबी जो ये आप पूछ रहे हो कि वो लोग अगर दम दरूद करने का या कोई साहिबान आपको कहते हैं कि आपके ऊपर जिन है या असरात हैं या जादू हैं और आप ये चीज़ें लाएं, मकसद उसके पीछे ये होता है कि वो उस चीज़ का सदका दे रहे हैं। ठीक है, मैं इसको और सेंस में लेता हूँ। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं आप लोगों को कहता हूँ, उन्होंने भी कुरान या पढ़ना होता है या आपको रुकिया करता है, सुनाते हैं वो कुरान, या आपके ऊपर पढ़ते हैं, फूंकते हैं, दम करते हैं, या कागज़ पे लिखते भी हैं ख़ास तरीके से मुख्तलिफ आदाद में, ये सारे उलूम हैं, या जो मशायख हैं, पीराने कराम हैं, तरीक़त के लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से आपको, असल मकसद तो आपको रब के दरवाजे तक ही लाना होता है। कुछ लोग फना फिल्ला से शुरू करते हैं, बहुत ही कम लोग, ये पागलों की राह होती है, नहीं तो सीधा यही होता है, फना फिल शेख से या फना फिल मुर्शिद से शुरू होती है और फिर फना फिल रसूल तक अगर कोई जाए और फिर फना फिल्ला है, ये पागलखाना है, ये शुरू ही फना फिल्ला से होता है, फिर अल्लाह की मर्ज़ी होए तो अगर फना फिल रसूल तोड़ता है, वो भी अमूमन तो जाने के बाद ही होता है, कहने बाबे और उन्होंने चादर जी होंगे जी उत्थे वो हरी हो गई है, गुंबद का रंग जोड़ा ना हूँ अजकल हरा कर देता है फलां वो, और इसमें कई अपने ही कोई रंग हैं उसके, और फिर फनाफ शेख जो है वो है, वो होता सारा एक नहीं है, सब कुछ एक ही है, उधर से घूम लो या उधर को घूम लो, एंटी क्लॉकवाइज कुछ लोग तवाफ़ करते हैं, कुछ लोग क्लॉकवाइज तवाफ़ कर रहे होते हैं, कुछ के ऊपर ये भी शर्त नहीं होती, वो सेंटर में खड़े होते हैं, उन्होंने यही नहीं समझ आती सारी उम्र के तवाफ़ करना किमें है, विशकार नुकते दे खलोता घुमा किदे गिर्द घुमा तो किमें घुमा तो की घुमा घूमन के एरिया ने सारियाँ। तो बहरहाल जो आप सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला।